दोस्तों ये हम एक टोकरी लेके आए हैं, एक डंडी लेके आए हैं और ये डोरी सी है और यहाँ पर हमारे पास दाना है से करके। हाँ थोड़ा सा दोस्तों हमने यहाँ पर दाना वगैरह डाल दिया, यहाँ पर थोड़ा सा हम दूर होके बैठे हैं, आराम से ना ज़्यादा शोर जाएंगे तो वो चीज़ भाग जाएगी। तो दोस्तों मैंने ना तमीम को थोड़ा सा ना वहाँ पर पास करके भेज दिया। दोस्तों हमने बटेरों को पकड़ लिया, ये देखें टोकरी के अंदर चले गए हैं। तमीम आराम आराम से आगे आओ, छोड़ नहीं बचाना, बस आराम आराम से रस्सी खींचो, जल्दी लेके आ, जल्दी लेके आ, जल्दी लेके आ। दोस्तों ये काफ़ी ज़ोर से पंजे वगैरह मार रहे हैं, तमीम जल्दी खोल, जल्दी खोल, जल्दी खोल, ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया। ओ भाई साहब तमीम यहाँ पे देखो, ये देखो पाँच छः घोंसले एक साथ। दोस्तों ये देखें, ये इतने बड़े बड़े घोंसले बने हैं, ये रियल कूड़े कांटों से बाहर गया। ये देखें, ये देखें पाँव देखें और ये देखें कपड़ों तक सब। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होगे और खैरियत होगे। तो दोस्तों आज हम काफ़ी दूर आ चुके हैं, सुबह के टाइम ही ना सूरज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकला हुआ है, तेज़ निकला हुआ है, तो धूप भी काफ़ी तेज़ है। तमीम ही हमारे साथ है, ये टोकरी वगैरह हमने लिया, आज हम आए हैं ट्रैप पर। तो आज कोई शिकार वगैरह करेंगे, कोई परिंदे वगैरह पकड़ेंगे। यहाँ पर हम जहाँ पर आए हैं ना, तो यहाँ पर चिड़िया वगैरह कोई परिंदे वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ना सुरंगें बनी हुई हैं, ये दूर दूर अगर आपको नजर आएंगे आ रही होंगी ना, तो यहाँ पर सुरंगें बनी हुई हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। तो आज हमने ना ट्रैप वगैरह फुल करना है और कुछ ना कुछ पकड़ के लाजमी लेके जाना है शाम तक। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल भी है बर्ड्स को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और तमीम आप ना, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर ही ना ट्रैप अपना जो से ये है ना टोकरी वगैरह बिछाते हैं और दाना वगैरह रखते हैं, थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं उसके। और तमीम मुझे यहाँ पर कोई चीज़ नज़र आई है अभी, वाइट कलर की ना उछल रही थी। तमीम यहाँ पर अभी कोई चीज़ नज़र आई, मुझे भी नज़र आई है। दोस्तों हमें यहाँ पर कोई चीज़ नज़र आई है वाइट थी, तो यहाँ पर हम ना ये टोकरी वगैरह लगाते हैं शिकार वगैरह, जल्दी चलते हैं तमीम हम नीचे ना। तो उम्मीद है कि जल्दी से हम पकड़ लेंगे कोई शिकार वगैरह। तो तमीम को मैंने नीचे भेजा, तमीम जा रहा है नीचे। यहाँ पर अब तमीम टोकरी वगैरह रखेगा यहाँ पर और डंडी के साथ तमीम ये डोरी वगैरह बांध लेना, ताकि डंडी हम खींचेंगे ना टोकरी के अंदर आ जाएगी फिर, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों हमने ना ज़मीन के अंदर ये थोड़े थोड़े ना सुराख से हैं, यहाँ पर हमने कोई वाइट सी चीज़ देखी थी, पता नहीं क्या चीज़ थी वो। तमीम कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर है? दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तमीम कह रहा है चूँ चूँ की आवाज़ आ रही है, तो हो सकता है कोई ना, क्या हो सकता है तमीम यहाँ पर ज़मीन के अंदर कौन से जानवर हो सकते हैं? अजीब से ही वाइट मैंने खुद देखा है, उसका मुंह नज़र आया था छोटा सा वाइट से कलर का। तो देखते हैं, चलो फिर देखते हैं हम यहाँ पर ना थोड़ी देर ना ट्रैप वगैरह करते हैं, शिकार वगैरह करने आए हैं। तो यहाँ पर थोड़े से ना हम ये टोकरी वगैरह लगाएंगे, तो देखते हैं क्या चीज़ पकड़ते हैं हम। यहाँ पर हमें कोई चीज़ नज़र तो आई थी वाइट कलर की, तो देखते हैं अब यहाँ पर। तो दोस्तों मैं भी अब नीचे आ चुका हूँ, यहाँ पर सच्ची में काफ़ी ज़्यादा ना सुरंगे सी बनी हुई है, सुराख से हैं काफ़ी ज़्यादा। ये भी देखें आप, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ये सुराख से बने हुए हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई जानवर वगैरह है। ये दोस्तों ये हम एक टोकरी लेके आए हैं, एक डंडी लेके आए हैं और ये डोरी सी है और यहाँ पर हमारे पास दाना है जिसके अंदर हम ना यहाँ पर लगाएंगे, उसके नीचे लगा के ना टोकरी के नीचे रखेंगे दाना। तो जो सी यहाँ पर कोई चीज़ होगी ना वाइट कलर की, मुझे जो सी नज़र आई थी ना चीज़, वो हम पकड़ लेंगे, पता नहीं क्या चीज़ थी। वैसे हो सकता है कोई अहम चीज़ ही हो, महंगी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी मुझे, तो एक्सपेंसिव थी थोड़ी सी ना। तो यहाँ पर हम दाना वगैरह रखते हैं, तो देखते हैं थोड़ी देर बाद ना हम कोई अगर चीज़ आनी हुई तो आ जाएगी, नहीं तो फिर देखते हैं कहीं और जाके फिर हम ट्रैप करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ना टोकरी वगैरह लगा दी है, टोकरी वगैरह हमने रख दी। अब तमीम यहाँ पे ना शॉपर के अंदर से थोड़ा सा दाना लगा लेगा, यहाँ पर दाना हम रखे थे तो यहाँ पर ऐसे करके। हाँ थोड़ा सा दोस्तों हमने यहाँ पर दाना वगैरह डाल दिया, यहाँ पे जो सुरंगों में कोई जानवर वगैरह होगा ना वो बाहर आके दाना वगैरह जब खाएगा ना, तो हम ना साथ ही इस टोकरी की जो सी रस्सी है ना ये खींच देंगे, तो आराम सुकून से वो अंदर आ जाएगा। तो तमीम हम थोड़ी देर ना पीछे बैठ जाते हैं दूर, थोड़ा सा ना ये रस्सी को हम दूर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो दोस्तों अब ना मुझे उम्मीद है कि हमने यहाँ पे जो सी टोकरी वगैरह लगाई है, जो से हमने जाल बिछाया ना, यहाँ पर कोई चीज़ आ जाएगी, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम दूर होके बैठे हैं, आराम सुकून से ना ज़्यादा शोर जाएंगे तो वो चीज़ भाग जाएगी। यहाँ पे सुरंग में से ना अभी हल्का सा मुँह नज़र आता है, उसके बाद फिर नीचे चली जाती है, अभी देखते हैं आती है कि नहीं आती। तो तमीम भी हमारे साथ बैठा हुआ है, हम इंतज़ार ही कर रहे हैं। ये हमारे पास डोरी है, ये हम खींचेंगे उसकी डोरी तो वो ना नीचे आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी। तो अब थोड़ी देर तक हम इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों मैंने ना तमीम को थोड़ा सा ना वहाँ पर पास करके भेज दिया, तो यहाँ पे ना शिकार आने वाला है, वहाँ पर जो सुरंग बनी हुई है ना उसके पास बैठा हुआ था अभी ना, थोड़ा सा मुँह निकाला उसने बाहर, तो देखते हैं वहाँ पर आते हैं दाने के पास या नहीं आता। तमीम को मैंने वहाँ पर भेज दिया, तमीम रेडी रहना ठीक है ना, जैसे ही आएगा ना टोकरी को पकड़ के ना मैं रस्सी जब खींचूंगा ना साथ ही आपने टोकरी को नीचे करना और उसको ना पकड़ लेना ठीक है। तो देखते हैं आता है या नहीं आता। तो तमीम नीचे हो, तमीम नीचे हो, ये बटेर एक निकला है ये दोस्तों, ये पता नहीं क्या चीज़ है वाइट कलर का बटेर लग रहा है मुझे। तो तमीम नीचे हो जाए, तमीम नीचे हो जाइए, हम ये देखे दोस्तों डर रहा है, हमें देख के डर रहा है ये। दोस्तों हमने बटेरों को पकड़ लिया, ये देखें टोकरी के अंदर चले गए हैं। तमीम आराम आराम से आगे आओ, छोड़ नहीं बचाना, बस आराम आराम से रस्सी खींचो। दोस्तों ये देखें दो बटेर, दो है ना ये, एक है तमीम नज़र, दो दोस्तों दो बटेर हमने पकड़ लिए हैं, टोकरी के अंदर आ चुके हैं। अब ना रस्सी को खींचते हैं, ये ज़्यादा दूर ना जाएँ, उड़ने वाले बटेर हैं, इनके पार भी काफ़ी बड़े बड़े मुझे तो लग रहे हैं। तो मैं ना आराम से रस्सी को खींचता हूँ, ये फ़ौरन ना
उसके अंदर आ जाएंगे। तमीम आप ना बस पीछे थोड़ा सा रहना, जैसे मैं रस्सी को खींचूंगा ना उसके बाद आपने ना टोकरी के ऊपर पकड़ लेना, टोकरी के ऊपर पकड़ के ना बाय बाय ना निकले। तो दोस्तों मैं ना आराम सुकून से ना रस्सी खींचने लगा और ये आगे आगे पकड़ ले तमीम पकड़ ले। दोस्तों हमने दो बटेर इकट्ठे पकड़ लिए यार, यहाँ पर दो बटेर थे दोस्तों, हमने ना दोनों बटेरों को। तो तमीम आप ना इस टोकरी के अंदर से ना जो से हमने दो बटेर पकड़े हैं उसे ना पकड़ लो हाथों से ना आराम से। क्या हुआ है? काट दिया इन्हें। दोस्तों ये बटेर काफी मुझे जंगली लग रहे हैं। तमीम को ना जोर से उसने चुंग मारा या पंजा लगा उसका? चुंग मारी है। तो आराम से तमीम, यार मैं पकड़ लूं या आप पकड़ लोगे? आप पकड़ लो। तो दोस्तों मैं आराम से पकड़ लेता हूँ, तमीम कह रहा है चुंज मारे। तो तमीम आप ना ये मोबाइल पकड़ो, ये देखो। तो दोस्तों इस टोकरी के अंदर दो बटेर है, तमीम से तो पकड़े ही नहीं गए, अब मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तमीम कह रहा है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा ना चुंजे मारे हैं और ना पंजे वगैरह मारे, तो मैं कोशिश करता हूँ शायद मेरे हाथों से पकड़े जाएँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जंगली हैं। तमीम आप एक तरफ से ना टोकरी को पकड़ के रखो ताकि वहीं से बाहर ना निकल जाए। तो ये पकड़ लिया एक, काफ़ी ज़ोर से मारे है वही। दोस्तों ये भाई साहब ये तो बहुत मुश्किल से पकड़े जा रहे हैं। कोई चीज़ पकड़ तमीम, कोई जो सा तोड़ा वगैरह लेके आए, तोड़ा पकड़। दोस्तों ये चुंज मारे हैं तमीम, जल्दी लेके आ। दोस्तों ये काफ़ी ज़ोर से पंजे वगैरह मार रहे हैं। तमीम जल्दी खोल। ये पकड़ लिया, एक हमने पकड़ लिया दोस्तों, और जो सा दूसरा वाला ना वो भी। तो दोस्तों हमने ना दो बटेरों को तो पकड़ लिया यहाँ पर ना, बाकी हमें लगता है अब इनके अंडे वगैरह भी इस खुडों के अंदर हो सकते हैं। हम अगर यहाँ पर देखें ना शराखों के अंदर कोई अंडे वगैरह भी हो सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो चुका है। तमीम आप ना इसे ना ये तोड़े के अंदर रखो। तो फ्रेंड्स हमने ना यहाँ पर दो बटेरों को पकड़ा है, यहाँ पे जब हमने ट्रैप किया ना, जैसे कि आपने हमारी वीडियो देखी होगी, तो हमने यहाँ पर ना दो बटेरों को पकड़ा है जिसे हमने ना इस तोड़े के अंदर और इसके अंदर हमने रखा हुआ, ताकि ये ना मारे ना, और उड़ने का भी काफ़ी खतरा हो सकता है क्योंकि उड़ते ही काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, इसलिए हमने ना टोकरी रखी थी इसके नीचे और हमने ये सामान वगैरह भी साथ ही लेके आए थे। तो अब ना हम इसे ना घर ले जाते हैं और घर जाकर अपने मास्टर केज के अंदर खोल देते हैं, ठीक है ना? या ऐसा करेंगे इसे उड़ा ना दे हम? नहीं उड़ाएंगे नहीं, अभी जो से हमारे जो से बटेर है ना उनके साथ ही हमने इसे खोल देते हैं, ठीक है? तो चलते हैं हम घर की तरफ। तो दोस्तों रास्ते में हम लोग जा रहे थे, यहाँ पर हमने एक दरख्त के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा घोंसले बने देखे हैं, ये काफ़ी ऊपर आए, देखते हैं हमारा हाथ जाता है या नहीं जाता। हमने यहाँ पर अपना सामान वगैरह रख दिया और घोंसले को तो हम तमीम हाथों से ही पकड़ लेंगे, और हमारे जो से बटेर हैं वो भी इसी के अंदर ही हैं। तो देखते हैं हम और आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर घोंसला है क्या? तो आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। और ओ भाई साहब तमीम यहाँ पे देखो, ये देखो 5-6 घोंसले एक साथ दोस्तों, ये देखें ये इतने बड़े बड़े घोंसले बने हैं, ये रियल के घोंसले हैं। और यहाँ पर चिड़िया वगैरह भी रहती होंगी, यहाँ पे अभी जब हम यहाँ पे आ रहे थे ना नीचे उतर रहे थे, तो यहाँ पर ना 2-3 चिड़िया ना उड़ के गई हैं, पता नहीं कहाँ पर चले गई हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ पर अंडे वगैरह हों और बच्चे भी हो सकते हैं। तमीम यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी घास लगी हुई है, कांटे वगैरह भी काफ़ी है, आप देख सकते हैं कांटे वगैरह लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये पाँव में भी चुप। तो दोस्तों यहाँ पर तमीम ने जो सा हमने हमारे पास डंडा था ना, डंडा और ये थोड़ी सी डोरी थी, ये मानने की हम कोशिश करते हैं शायद हमसे पकड़ा जाए। तो तमीम यहाँ पर आप ना तैयार हो ना, यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाके ना ऊपर को फेंको ज़रा, देखते हैं हमसे पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता। दोस्तों ये सामने ऊपर ही लगे हुए हैं, हाथों से तो ये पकड़े नहीं जाने क्योंकि हमारी इतनी लंबी हाइट नहीं है, और ये काफ़ी ऊपर भी है, नीचे काफ़ी ज़्यादा ये कांटे वगैरह लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो तमीम कोशिश करता है, ओए नहीं पकड़े गए, दोबारा फेंको। ओए पकड़ लिया, नीचे आने दे। ऊपर वाला पकड़ दे, ये थाली है वो दे दो, सुराज नीचे ले जा रहे, नीचे आने दे। अभी जोर से नीचे को कर, नीचे आने दे, जोर से खींच, कहीं नहीं जाता ये, जोर से। मैं भी जोर लगाता हूँ, आने दे। ये आ गया, नहीं ओ छूट गया। दोबारा फेंकते भी, इतने बड़े बड़े कांटे लगे हैं दोस्तों इस रास्ते पे। तो तमीम दोबारा कोशिश करने लगा, तमीम दोबारा फेंको आप, आपकी बार ना जहाँ पर सही वाला घोंसला है ना, अच्छे वाला जिसके अंदर हो सकता है अंडे वगैरह हो, वो वाला पकड़ना है, ठीक है ना? तो तमीम आप ना ध्यान से, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कांटे लगे हैं, ये देखे दोस्तों पाँव वगैरह सारे भर चुके हैं हमारे झाड़ियों के अंदर। तो तमीम फेंको आप, जल्दी करो ना, फिर फेंक दो आप, हाँ जल्दी फेंको यार तमीम। ए बा ठीक है, हाँ यहाँ पर नीचे आने दे, फंसा है कि नहीं? नहीं फंसा।
तो दोस्तों यहाँ पर हमसे ये नहीं पकड़े जा रहे, काफ़ी ज़्यादा ये ऊपर है और इसके नीचे ना काफ़ी ज़्यादा कांटे वाला दरख्त लगा हुआ है, यहाँ पर हमारी डोरी फंस जाती है, नहीं पकड़े जा रहे हमसे। तो तमीम कह रहे हैं रहने देते हैं, ये अभी चिड़ियों का घर है तो हमें भी गुनाह मिलेगा, उनका घर है, उनको घर को हम नहीं छेड़ते। तो चलते हैं तमीम, फिर वापस चले जाते हैं। ये देखे दोस्तों इतने ज़्यादा कांटे लग गए वहाँ पर, इतने इतने बड़े बड़े कांटे थे ना, ये सारे पाँव पर कांटे ही कांटे हो गए। तमीम आपके पाँव पर भी ये देखें दोस्तों, ये तो पूरे कांटों से बाहर गया, ये देखें, ये देखें पाँव देखें और ये देखें कपड़ों तक, सारे कांटों कांटों से भर गया। बहुत ज़्यादा दोस्तों वहाँ पर कांटे लगे थे, इसलिए हम वापस आ चुके हैं और वहाँ पर जो से चिड़ियाँ वगैरह हैं उनके जो से घोंसले हमने वो छोड़ दिए, हमारे जो से पाँव है ना वो बिल्कुल कांटों से भर चुके हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही है। तो चलते हैं तमीम घर की तरफ, और हमारे बटेर भी यहाँ पर ही पड़े हुए हैं, इनको हम घर ले जाते हैं। देखिए जरा बटेर उड़ तो नहीं गया, ये ना अंदर ही है, अंदर ही है, ठीक है ठीक है दोस्तों, अंदर ही है, ये तो ये उड़ जाने थे अभी। दोस्तों आज का ट्रैप हमारा बहुत अच्छा रहा है, हमने दो बटेरों को पकड़ा यहाँ पर, हमने काफ़ी कोशिश की थी ताकि हम यहाँ पर चिड़िया वगैरह पकड़ लें, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घोंसले बने हुए थे, 5-6 घोंसले थे इकट्ठे, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर थे और नीचे काफ़ी ज़्यादा कांटे लगे थे, तो हमारे पाँव बिल्कुल कांटों से भर चुके हैं, आप देख सकते हैं तवीन के पाँव में काफ़ी ज़्यादा कांटे लग चुके हैं, हम काफ़ी देर से कांटे वगैरह ही लगा रहे हैं। तो घर की तरफ चलते हैं, यहाँ पर ये चिड़ियों को तो हम पकड़ नहीं सकते, हालांकि हमने दो बटेरों को तो पकड़ लिया, अब हमने ना मास्टर केज में शिफ्ट करते हैं दो बटेरों को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल बी ए बर्ड्स को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अल्लाह हाफिज़, आ जाओ टीम चलें, आ जाओ गाड़ी जाकर निकाल लेना ये कांटे, आ जाओ चलें।